भाजपा महिला मोर्चा राज्य अध्यक्ष ने किया आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने का आह्वान। रश्मिधर सूद ने सांगड़ाहा में ली महिला मोर्चा मंडल पदाधिकारियों तथा पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक। हर मतदान केंद्र पर तैयार होगी 20 महिलाओं की टोली। पार्टी पर मोर्चा कार्यकर्ताओं को गुटबाजी से दूर रहने की नसीहत भी दे डाली। कमजोर संगठन वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रही है महिला मोर्चा राज्य अध्यक्ष। जिलाई में होने वाली जिला स्तरीय महिला दिवस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भी हुई चर्चा। भाजपा महिला मोर्चा राज्य अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने सोमवार को विश्राम गृह संगड़ाहा में मोर्चा व पार्टी पदाधिकारियों तथा पंचायत प्रतिनिधियों की एक बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मौजूद नेताओं व कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने को कहा और आज से ही बूथ स्तर पर तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन दिनों हिमाचल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक बूथ 20 महिला कार्यक्रम अंतिम चरण में है और जल्द सभी पोलिंग बूथ पर 20 महिलाओं का संगठन अथवा टोली तैयार करने के प्रयास जारी है। रेणुगंज विधानसभा क्षेत्र में महिला मोर्चा व पार्टी का संगठन कमजोर होने की बात प्रदेश अध्यक्ष आर्य खुलकर कही और मंडल पदाधिकारियों तथा स्थानीय नेताओं को इसके लिए जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में वह उन सभी हलकों का दौरा कर रही हैं जहां महिला मोर्चा का संगठन कमजोर समझा जा रहा है। अपने संबोधन में रश्मिधर ने पार्टी कार्यकर्ताओं को गुटबाजी से दूर रहने को कहा और व्यक्ति विशेष अथवा किसी नेता की बजाय पार्टी विचारधारा के लिए काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हिमाचल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में इन दिनों एक बूथ 20 महिला कार्यक्रम अंतिम दौर में है और आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व हर मतदान केंद्र पर महिलाओं की सशक्त टोली तैयार हो जाएगी। पंचायतों की तरह भाजपा सरकार द्वारा भविष्य में लोकसभा व विधानसभा में भी महिलाओं को आरक्षण देने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में देश व प्रदेश भर में महिला सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बैठक में सिरमौर जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कन्याल, महिला मोर्चा पदाधिकारी संजू शर्मा व शिवानी वर्मा, भाजपा नेता बलबीर चौहान, रूप सिंह, मेलाराम शर्मा, ममता रिंटा व विजेंद्र शर्मा आदि भी मौजूद रहे। इस दौरान कल शिलाई में होने वाले मोर्चा के जिला स्तरीय महिला दिवस कार्यक्रम की तैयारियों तथा संगड़ाहा व रेणुकाजी क्षेत्र से महिलाओं को पहुँचाए जाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। सेटिस्फाइड हो गई कि भी मेरा मैं तो बन गई, अब मेरा तो काम हो गया, अब मेरे को संगठन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, अब अगले बार चुनाव होंगे तो देखी जाएगी। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट है निरंतर कार्य करना। कॉन्सेप्ट है कि आप जितना संगठन के लिए कार्य करेंगे संगठन उतने से ज्यादा आपको देगा। जैसे अभी इन्होंने कहा कि नड्डा जी के टाइम से ये कार्य कर रहे हैं, नड्डा जी इनको लेकर आए। मैंने नड्डा जी के साथ यूनिवर्सिटी में काम किया है, दरिया तक बिछाई है, पर ये अब मैं सोचूं मुझे एक पोस्ट मिलगी तो मैं वो काम छोड़ दूं। ये निरंतर प्रयास है तभी संगठन बनता है, तभी संगठन में मजबूती आती है, तभी संगठन के लिए लोग दिन रात एक करते हैं। अब पवन जी का सपना है कि हर बूथ जो है वो जीते। बूथ कैसे जीतेंगे जब हमारी बहनें ही नहीं जाएंगी, उस बूथ में घूमेंगी ही नहीं, उस बूथ में 10 घर हैं, उन 10 घरों में जाएंगी नहीं, रेगुलरली नहीं जाएंगी, तो हम कैसे जो है इस सपने को साकार करेंगे। अब आपका बूथ नंबर क्या है बताइए, 49 कितने घर है? फिर आप पदाधिकारी हैं, अपने आप आए, संगठन ने आपका स्वागत किया है, तो व्यक्ति विशेष हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। विशेष महत्वपूर्ण है कमल कप, जिसके हाथ में मिलेगा, जिसको मिलेगा उसको जिताने का संकल्प हमें लेना। मैं संगठन के लिए एक बूथ 20 बहनों के लिए, युवा मोर्चा भी कर रहा है, किसान मोर्चा भी कर रहा है, SC ST मोर्चा भी ये कार्य कर रहा है, सभी मोर्चे ये कार्य कर रहे, लेकिन हम मुझे मंडल लेवल तक आने की क्या जरूरत है? मैं तो जिला की बैठक करके जिला में वापस जा सकती हूँ, जिला की एक बैठक मैं कहीं भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं मंडल में इसलिए आ रही हूँ, जिन मंडलों में कार्य जो है वो थोड़ा धीमी गति से चल रहा है, जिन मंडलों में बहने जो है वो कर रही है लेकिन उस शिद्दत से नहीं कर रही, क्योंकि 1.5 साल अगर हम किसी कार्य को दें और वो 1.5 साल में भी पूरा ना हो तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी प्रकार की कमी उस क्षेत्र में है। ये बात सही है कि आपका एक क्षेत्र जो है वो कठिन उसमें है, कहीं दूर दूर से बहनों को आना पड़ता है, पर जो बहनें जहाँ रहती हैं उनके आसपास तो 20 लोग होंगे।